नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीपीयू, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ओनली जीरोज एंड वंस, जीरो मीन्स ऑफ एंड वन मीन्स ऑन, इट इज़ कॉल्ड द बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होते हैं उसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, एंड इनपुट डिवाइस टेक डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस एंड कन्वर्ट देम इंटू बाइनरी फ्रॉम दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, इनपुट डिवाइस टेक डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस, इनपुट जो हम कंप्यूटर में देते हैं हमारे द्वारा दिए जाते हैं और वह सीपीयू में जाकर बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट होकर आउटपुट के रूप में हमको देता है, मतलब कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स को ही अंडरस्टैंड करता है, एंड आउटपुट डिवाइस टेक डेटा इन द बाइनरी फॉर्म, जो आउटपुट निकलता है वो बाइनरी फॉर्म में ही निकलता है, फॉर्म एंड कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म दैट वी कैन रीड, जो हमको डिस्प्ले पर दिखाई देता है स्क्रीन पर वो आउटपुट होता है जो कि बाइनरी फॉर्म से निकल कर हमको दिखाई देता है जिसको हम पढ़ते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमको एक कम्युनिकेशन बनाती हैं वर्ल्ड और हमारे बीच में, हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है इनपुट और आउटपुट का। लेट अस लर्न मोर अबाउट द इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस एंड कंप्यूटर मेमोरीज इन द डिटेल। सबसे पहले यहाँ हम समझाते हैं आपको सीपीयू। Suppose that this is CPU and this is input. अगर यहाँ हम 1+2 लिखते हैं तो यहाँ पर प्रोसेस होता है वो, उसके बाद आंसर निकलता है 3, दिस इज आउटपुट। CPU मेमोरी में पहले उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आंसर निकलता है 3। इसको कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कई तरह की होती हैं। सम ऑफ डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डेटा इन द कैमरा एंड वेब कैमरा। सबसे पहले हम कीबोर्ड पढ़ेंगे। अ कीबोर्ड इज अ मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस। इट हैज अ नंबर ऑफ की ऑफ एंटरिंग अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल करेक्टर्स। कीबोर्ड सभी ने देखा हुआ है, सब लोग यूज़ किए हुए हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड मोस्ट वाइडली इनपुट डिवाइस है जिसमें स्पेशल करेक्टर और अल्फाबेट करेक्टर होते हैं। व्हेन यू प्रेस अ की द कोड ऑफ द की इज सेंड टू सीपीयू इन बाइनरी फॉर्म। जब हम कीबोर्ड से कोई भी बटन को दबाते हैं, की को दबाते हैं, तो वो सीपीयू में जाकर बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अ कीबोर्ड कैन बी कनेक्ट टू द कंप्यूटर थ्रू अ कॉर्ड और थ्रू अ वायरलेस कनेक्शन। कीबोर्ड को हम कंप्यूटर से वायर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वायरलेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट माउस। अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विथ 2 or 3 बटन। There days a mouse generally has 2 buttons and a scroll wheel in the center of the 2 buttons. The mouse convert the motion of your hands into binary signals that the computer can understand. The mouse pointer on the monitor moves according to the movement of the mouse. Mouse is a pointer device with 2 or 3 बटन्स। माउस एक पॉइंटर डिवाइस होती है जिसमें 2 or 3 बटन्स होते हैं, लेकिन मोस्टली अभी जो जनरली आ रहे हैं वो केवल 2 बटन्स के होते हैं, और उनमें एक स्क्रोल व्हील होता है जो बीच में होता है। द माउस कन्वर्ट टू द मोशन। माउस जो होता है मोशन में कन्वर्ट होता है, जो कि हम अपने हाथ से चलाते हैं और वो बाइनरी सिग्नल्स को देता है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जो कि कंप्यूटर समझता है। द माउस पॉइंटर ऑन मॉनिटर माउस अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द माउस। देन माउस कैन बी 3 टाइप्स, बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। अ बॉल माउस हैज़ अ स्मॉल मेटल और रबर बॉल अंडर इट। द मूवमेंट ऑफ द माउस